हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें 5 टाइप्स के रेडॉक्स रिएक्शन पाए जाते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड लास्ट है कम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो सिंगल कंपाउंड होते हैं जिसका कॉम्बिनेशन होके एक सिंगल कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और ए प्लस बी और ए बी बना है। तो ए एक कंपाउंड है और बी एक कंपाउंड है, दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होके एक सिंगल कंपाउंड बना है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। और ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा आपको अंडरस्टैंड ज्यादा करना है तो कि सी प्लस ओ टू इज तो CO2 बन गया, ठीक है। और H प्लस Cl मीन्स HCl बन गया। तो ये हो गया दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल कंपाउंड होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, और वो जो कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है वो दो डिफरेंट कंपाउंड में उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो एक सिंगल कंपाउंड टूटता है और उसमें से दो कंपाउंड बनते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी एक कंपाउंड है जिसका ब्रेकडाउन होता है, तो ए प्लस बी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए तो एन ए टू सी ओ थ्री एक कंपाउंड है, और उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो एन ए टू ओ प्लस सी ओ टू बनता है, मीन्स ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो एक सिंगल कंपाउंड का टूटना और उसमें से दो कंपाउंड का जुड़ना बनना सॉरी बनना उसके फॉर्मेशन होना, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं थर्ड हमारा जो रिएक्शन है, वो उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसका रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। एक एटम या तो आयन वो रिप्लेस होते हैं दूसरे एलिमेंट के आयन और एटम से, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी सी, ठीक है। तो ये ए जो है वो यहाँ पे सी के साथ जुड़ जाता है और बी अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो एटम या आयन होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। और ये जो रिएक्शन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं फोर्थ रिएक्शन, जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही कंपाउंड मीन्स के सिंगल ही रिएक्टेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और रिड्यूस होता है। तो जिस रिएक्शन में एक ही सिंगल रिएक्टेंट या कंपाउंड, ठीक है, या तो सैंपल या आप कुछ भी कह सकते हो, तो जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो सिंगल रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि 2CuBr, तो यहाँ पे C पे प्लस पोजीशन है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो प्लस 2 में वो कन्वर्ट हो जाता है, और इसका ही रिडक्शन होता है तो वो यहाँ पे 0 में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं हमारा लास्ट वन रिएक्शन, जिसका नाम है कंबसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड और ऑर्गेनिक फ्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे हमको CH4 मीन्स के मीथेन, जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे CO2 फॉर्म होता है और दो मॉलिक्यूल H2O के फॉर्म होते हैं। तो जिस रिएक्शन में CO2 और H2O फॉर्म होता है उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कंबस्टन रिएक्शन। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।